खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां पर विकास खंड जखोली के अंतर्गत रणधार वधाड़ी ताल से बक्सीर छेनागाड़ मोटर मार्ग डामरीकरण और अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। बता दें, यहां पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने ही मंगलवार को मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य का उद्घाटन किया। ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बक्सीर छेनागाड़ मोटर मार्ग डामरीकरण और अपग्रेडेशन की लंबे समय से क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी और पर अब तक काम शुरू हो चुका है। वही इस पर आप बता दें आपको, विधायक भरत सिंह चौधरी ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि क्षेत्रीय जनता व ग्रामीणों की जन भावनाओं को देखते हुए तकरीबन 26 किलोमीटर मोटर मार्ग डामरीकरण और अपग्रेडेशन का कार्य अगस्त 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग और ठेकेदारों को भी सड़क डामरीकरण निर्माण की गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत ही वासुदेव मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने यहां पर विधायक चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत के साथ साथ सम्मान भी किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की खास रिपोर्ट। इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लंबे समय से इसके इस सड़क के अपग्रेडेशन की मांग क्षेत्रवासी करते आ रहे थे और इसको लेकर के लंबे समय तक आंदोलन भी यहाँ पर हुआ और उस जन आंदोलन की जन भावना को देखते हुए हमारी संवेदनशील सरकार ने 25 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए स्वीकृत किया है, जिसका कि आज यहाँ पे विधिवत कार्य प्रारंभ हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये कार्य यहाँ पर संपन्न होगा। ये जो जखोली रणधार खोड़ बक्सीर का हमारा रोड है, इसकी जो पूरी लंबाई हमारी ये 26.35 किलोमीटर की है और इसकी जो हमारी लागत है, कंस्ट्रक्शन लागत हमारी है 23 करोड़ 77 लाख की और जो मेंटेनेंस का है उसका हमारा 1 करोड़ 75 लाख का है, जो यहाँ पे हमारा सेंक्शन हुआ है। इसकी डेट ऑफ स्टार्ट हम लोगों को 27/11/2024 से और इसका जो कम्प्लीशन डेट है हमारा 26/8/2025 तक है। तो इसमें हमारा जो भी है उसका PMGSY की जो 3 के अंतर्गत ये रोड सेंक्शन अपग्रेडेशन का हुआ है, इसमें हम लोगों का अभी कुछ हमारे पुल भी हैं जो अभी सेंक्शन होने हैं। इस भारत सरकार की टीम आ गई है, उन्होंने इसका विजिट करके हम लोगों ने इसका रिपोर्ट नीचे भेज दिया है। मैं इस मांग के लिए माननीय विधायक श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी का संपूर्ण बांगर जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहुत ही पुरानी मांग ये थी, हमारे पूर्व में जितने भी प्रतिनिधि थे, जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग थे, सभी ने इस मांग के लिए बहुत संघर्ष किया। आज माननीय विधायक जी ने यह मांग हमारी पूरी की और 26 किलोमीटर हॉट मिक्स के लिए माननीय विधायक जी ने 26 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, जिसका आज कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके लिए भगवान वासुदेव से का उज्जवलमय भविष्य हो, ऐसे मैं काम करता हूँ। कई वर्षों से बिना मांग की ये हमारे जो माननीय आज हमारी ये बांगर की जो सबसे बड़ी मांग थी, मैं माननीय विधायक जी का समस्त अपने क्षेत्र की जनता से उनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और अपनी जो भारत सरकार है कभी और उत्तराखंड सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।